हेलो गाइस, वेलकम टू एसपीपीएस स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर 5, भारतीय समाज शास्त्री। आप 11th क्लास समाज शास्त्र। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 5 भारतीय समाज शास्त्री के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनंत कृष्ण अय्यर और शरत चंद्र राय ने सामाजिक मानव विज्ञान के अध्ययन का अभ्यास कैसे किया, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, अनंत कृष्ण अय्यर भारत में समाजशास्त्र के अग्रदूत थे, ठीक है। अनंत कृष्ण अय्यर को कोचिन के दीवान द्वारा राज्य के नृजातीय सर्वेक्षण में मदद के लिए कहा गया, ठीक है। कोचिन के दीवान द्वारा राज्य के नृजातीय सर्वेक्षण में मदद के लिए कहा गया। महाप्रांत क्षेत्र के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों में करवाना चाहती थी। ये क्षेत्र विशेषतः उनके नियंत्रण में आते थे। अनंत कृष्ण अय्यर ने इस कार्य को पूर्ण रूप से एक स्वयंसेवी के रूप में किया। अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः पहले स्वयं शिक्षित मानव विज्ञानी थे। पहले वे शिक्षित मानव वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक विद्वान और शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त की। शरत चंद्र राय के द्वारा समाजशास्त्र का प्रयोग, ठीक है। पहले हमने अनंत कृष्ण अय्यर के द्वारा देखा था, अब हम देखेंगे शरत चंद्र राय के द्वारा समाजशास्त्र का प्रयोग, ठीक है। शरत चंद्र राय जनजातीय समाज में अत्यधिक रुचि रखते थे। यह उनकी नौकरी की आवश्यकता भी थी, ठीक है। यह उनकी नौकरी की आवश्यकता भी थी। कारण यह था कि उन्हें अदालत में जानकारियों की परंपरा और कानून को दुभाषित करना था, ठीक है। अदालत में जानकारियों की परंपरा और कानून को दुभाषित करना था। ओराव मुंडा और खरिया जनजातियों पर किया गया सर्व प्रसिद्ध प्रबंधन लेखन कार्य के अतिरिक्त रॉय ने 100 से अधिक लेख राष्ट्रीय और ब्रिटिश शैक्षिक जनरल में प्रकाशित किए। सन 1922 ईस्वी में उन्होंने मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की। भारत में यह अपने समय का पहला जर्नल था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जनजातीय समुदायों को कैसे जोड़ा जाए, जनजातीय समुदायों को कैसे जोड़ा जाए। इस विवाद के दोनों पक्षों के क्या तर्क थे, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, अनेक ब्रिटिश प्रशासन ऐसे भी थे जो मानव विज्ञानी थे, ठीक है। अनेक ब्रिटिश प्रशासन ऐसे थे जो मानव विज्ञानी थे। वे भारतीय जनजातियों में रुचि रखते थे। उनका विश्वास था कि ये आदिम लोग थे और उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी। साथ ही वे ये भारतीय जनजातियाँ हिंदू मुख्य धारा से काफ़ी अलग थी। उनका मत था कि समाज में इन सीधे साधे जनजातीय लोगों का न केवल शोषण होगा बल्कि उनकी संस्कृति का पतन भी होगा, ठीक है। उन्होंने महसूस किया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वे इस जनजातियों को संरक्षण दे ताकि वे अपने जीवन विधि और संस्कृति को कायम रख सके। इसका कारण भी था यह कि उन पर लगातार दबाव बन रहा था कि वे हिंदू संस्कृति के मुख्य धारा में अपना समायोजन करें, ठीक है। उनका मानना था कि जनजाति संस्कृति को बचाने का कार्य गुमराह करने की कोशिश
उनका मानना क्या था कि जनजाति संस्कृति को बचाने का कार्य गुमराह करने की कोशिश और इसको परिणाम जनजातियों का पिछड़ापन है। इसका परिणाम क्या है? जनजातियों का पिछड़ापन। घुड़े राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि भारतीय जनजातियों को एक भिन्न सांस्कृतिक समूह की तुलना में पिछड़े हिंदू समाज की तरह पहचानना चाहिए। ठीक है, अंतर के मुख्य बिंदु मतभेद यह था कि मुख्य धारा की संस्कृति के प्रभाव का किसी प्रकार मूल्यांकन किया जाए। संचरणवादियों का विश्वास था कि समायोजन को परिणाम जनजातियों के शोषण और उनकी संस्कृति विलुप्तता का रूप सामने आएगा। ठीक है, घुए और राष्ट्रवादियों का तर्क था कि ये परिणाम केवल जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय समाज के सभी पिछड़े और दलितों वर्गों में समान रूप से देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में प्रजाति तथा जाति के संबंधों पर हर्बर्ट रिजले तथा जी एस घुर्य की स्थिति की रूपरेखा दे। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। रिजले का मानना था कि मनुष्य को उसकी शारीरिक विशिष्टताओं के आधार पर अलग भिन्न जनजातियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई या कपाल का भार, अथवा खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित है। ठीक है, खोपड़ी का वह भाग जहाँ पर ब्रेन हो। रिजले को विश्वास था कि विभिन्न प्रजातियों के उविकास के अध्ययन के संदर्भ में भारत एक विशिष्ट प्रयोगशाला है। इसका कारण यह है कि जाति एक लंबे समय से विभिन्न समूहों के बीच अंतर्निर्वाह की निषिद्ध करती है। उच्च जातियों ने भारतीय आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं को ग्रहण किया, जबकि निम्न जातियों में अनार्य जनजातियों, मंगोल या अन्य प्रजातियों के गुण पाए जाते हैं। रिजले और अन्य विद्वानों ने सुझाव दिया कि निम्न जातियां ही भारत की मूल निवासी, जो निम्न जातियां हैं वही भारत की मूल निवासी है। आर्यों ने उसका शोषण किया जो कहीं बाहर से आकर भारत में फले फूले थे। ठीक है, रिजले के तर्कों से घुरिये असहमत नहीं थे परंतु उन्होंने इसे केवल असतः सत्य माना। उन्होंने इस समस्या की ओर ध्यान दिया। वस्तुतः यह समस्या केवल औषध के आधार पर बिना परिवर्तन सोच विचार किए किसी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू कर देने से उत्पन्न होती है। ठीक है, उन्होंने सोच विचार किया कि किसी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू करने से उत्पन्न होती है जो कि विस्तृत और सुव्यवस्थित नहीं था। प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में शेष रह गई थी। इसका कारण यह था कि वहां अंत विवाह निर्दिष्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जाति की सामाजिक मानव शास्त्री परिभाषा को सारांश में बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। जाति की सामाजिक मानव विज्ञानी संबंधी परिभाषा जाति खंडीय विभाजन पर आधारित है। जाति एक संस्था है और यह खंडीय विभाजन पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि जाति समाज कई बंद और पारंपरिक खंडों एवं उपखंडों में विभाजित है। ठीक है, जाति शब्द का तात्पर्य क्या है कि जाति समाज कई बंद और पारस्परिक खंडों एवं उपखंडों में विभाजित होता है।
ठीक है। जाति सोपानिक विभाजन पर आधारित, जाति सोपानिक विभाजन पर आधारित देखेंगे। जातिगत समाज का आधार सोपानिक विभाजन है, दूसरी जाति की तुलना में प्रत्येक जाति असमान होती है, ठीक है। दूसरी जाति की तुलना में प्रत्येक जाति असमान होती है। जाति सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, सामाजिक अंतःक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है। संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंतःक्रिया के क्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने में, करने के संदर्भ में, ठीक है। विशेषकर क्या है, भोजन, बैठकर भोजन करने के संदर्भ में, ठीक है। अस्पर्शता की संस्था के रूप में देखेंगे, अस्पर्शता की संस्था के रूप में यहाँ तक किसी जाति विशेष के व्यक्ति द्वारा छू जाने मात्र से मनुष्य अपवित्र महसूस करता है, ठीक है। विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार और कर्तव्य, सोपानिक और प्रतिबंधित सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए जाति विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करती है। व्यवसाय के चुनाव पर प्रतिबंध, जाति व्यवसाय के चुनाव पर प्रतिबंध, जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है। जाति के समान व्यवसाय भी जन्म पर आधारित और वंशानुगत होता है। जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है, जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंतर्विवाह या जाति में ही विवाह के अतिरिक्त बहिर्विवाह के नियम भी जुड़े रहते हैं, या किसी किसकी शादी किससे नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संस्कृति तथा समाज की क्या विशिष्टताएं हैं तथा ये बदलाव के ढांचे को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, टीपी मुखर्जी ने महसूस किया कि भारत का निर्णायक और विशिष्ट लक्षण इसकी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है। टीपी मुखर्जी ने महसूस किया कि भारत का निर्णायक और विशिष्ट लक्षण इसकी सामाजिक व्यवस्था है। उनके अनुसार भारत में इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था पश्चिम के मुकाबले और आयाम के दृष्टिकोण से कम विकसित थे। भारतीय संस्कृति और समाज व्यक्तिवादी नहीं है, लेकिन इसमें सामूहिक व्यवहार के प्रतिमान निहित है। डीपी मुखर्जी का मत है कि भारतीय समाज और संस्कृति का संबंध केवल भूतकाल तक सीमित नहीं है, इसे अनुकूल की प्रक्रिया में भी विश्वास है, ठीक है। इसे अनुकूल की प्रक्रिया में भी विश्वास है। डीपी मुखर्जी का मत है कि भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष जाति परंपराओं से प्रभावित होता है एवं उसे अपने में सम्मिलित कर लेता है, ठीक है। जहां नवीन वर्ग संघर्ष अभी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजशास्त्री शोध के लिए गांव को एक विषय के रूप में लेने पर M.N. श्रीनिवास तथा श्री डयुमो ने इसके पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क दिए, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, M.N. श्रीनिवास ने भारतीय गांवों को समाजशास्त्री शोध अनुसंधान के विषय के रूप में चुनाव किया। इसका कारण यह था कि उनकी रुचि ग्रामीण समाज से जीवन भर बनी रहे उनके लेख दो प्रकार के हैं, गांव में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का नृजातीय ब्यौरा तथा इन ब्यौरों पर परिचर्चा। दूसरे प्रकार के लेख में सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में भारतीय गांव पर ऐतिहासिक और अवधारणात्मक परिचर्चाएँ शामिल है। श्रीनिवास का मत था कि गांव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है, इतिहास साक्षी है कि गांवों ने अपनी एक एक
एकीकृत पहचान बना रखी है। ग्रामीण समाज में ग्रामीण एकता का अत्यधिक महत्व है। श्रीनिवास ने ब्रिटिश प्रशासन मानव वैज्ञानिकों की आलोचना की। इसका कारण यह था कि उन्होंने भारतीय गांव को स्थिर आत्मनिर्भर छोटे गणतंत्र के रूपों में चित्रित किया था। गांव कभी एक आत्मनिर्भर नहीं थे। गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे। वस्तुतः वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय समाज शास्त्र के इतिहास में ग्रामीण अध्ययन का क्या महत्व है? ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में M.N. श्रीनिवास की क्या भूमिका रही? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत गांवों का देश है। भारत है वो गांवों का देश है। 65% से अधिक लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, 65% लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यदि हम पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के अपूर्ण और मिथ्या तथ्यात्मक एवं शिक्षा संबंधी जानकारियों को चुनौती देना चाहते हैं तो गांवों का अध्ययन आवश्यक है। ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक हित, विचारधारा और नीतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना शोध कार्य संपन्न किया था। M.N. श्रीनिवास ने भारतीय समाज और भारत के ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ विचारों पर महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं। ठीक है, M.N. श्रीनिवास की रुचि भारतीय गांव और भारतीय समाज में जीवन भर बनी रही। ठीक है, उनकी रुचि भारतीय गांव और भारतीय समाज में जीवन भर बनी रही। 1950-1960 के दौरान श्रीनिवास ने ग्रामीण समाज से संबंधित विस्तृत न जातीय ब्यौरों का लेखा जोखा तो को तैयार करने के सामूहिक परिश्रम को प्रोत्साहित तथा समन्वित किया। ठीक है,